गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीजन, जो कि आपको एक प्रश्न होगा जिसका मैं विस्तृत एक्सप्लेनेशन करूंगा, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी हिंदी मिलाकर। एक प्रश्न है जिसे हम लोग एथिक्स के पेपर में पढ़ सकते हैं और जनरल बिहेवियर नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है कि कुछ ऐसे जो गुण हैं जो हमारे विभिन्न पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पदाधिकारी हुए या जो भी सरकारी कर्मचारी है या फिर जो हमारे व्यक्तित्व या हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, उनके बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो एक टॉपिक है कि जो राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसका स्थान से कोई मतलब नहीं होता है, समय से कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या है ये, और इस पर आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। चलिए देखिए, यूनिवर्सल राइट्स आर दोज विच आर इनहेरेंट टू ऑल अस रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, सेक्स, नेशनल और एथनिक ऑरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर स्टेटस। इन सभी को दरकिनार करते हुए कुछ ऐसे अधिकार जो हमें प्राप्त हैं, दे रेंज फ्रॉम मोस्ट फंडामेंटल राइट टू लाइफ, जैसे कि जिंदगी जीने का अधिकार, दोज दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग, और कुछ ऐसी परिस्थितियां जिससे हमारा जिंदगी जो है या जीवन जो है बेहतर हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके, टू दोज दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग, जैसे कि राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, एजुकेशन, वर्क, शिक्षा, लिबर्टी। ओवरऑल दस हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल राइट्स आर दोज राइट्स हुज इंटाइटलमेंट इट नॉन निगोशिएबल है ये, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे कि ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इनएलिनेबल। ह्यूमन राइट्स जो होते हैं यूनिवर्सल होते हैं और इनएलिनेबल होते हैं, इनविडिविजिबल होते हैं, अविभाज्य होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एंड इंटररिलेटेड। दे आर यूनिवर्सल बिकॉज एवरीवन इज बोर्न विद, सब कोई इसी के साथ पैदा होता है और उसे सब मिल ही जाता है, एंड पोजेसेस सेम राइट्स रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लीव, कहां जीते हैं, कहां जन्म हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस जन्म में, किस जाति में, किस रेस में, किस धर्म में, किस कल्चर में, किस इथनिक में, उसका बैकग्राउंड उसका क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें कुछ ऐसे अधिकार तो मिलेंगे ही। ओके, इनएलिनेबल, व्हाई सो इनएलिनेबल, बिकॉज पीपुल्स राइट कैन नेवर बी टेकन आउट, आप इसको छीन नहीं सकते, टेकन अवे नहीं कर सकते। इंडिविजुअल एंड इंटरडिपेंडेंट, इसे इंडिविजुअल भी कहा गया है, इंडिविजुअल मतलब इसे विभाज्य नहीं किया सकता है, इंटरडिपेंडेंट बताया गया है, क्यों, क्योंकि ऑल राइट्स, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, दे आर इक्वल। आप किसी एक को हटाकर दो दे दे बोलिए इतने में संतुष्ट हो जाए, नो इट्स नॉट पॉसिबल। सारे के सारे अधिकार एक दूसरे को समाहित करते हैं, एक दूसरे को मजबूत बनाते हैं, किसी एक को हटा देने से इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। और सबका अपना महत्व है, नन कैन बी फुल्ली इंजॉयड विदाउट अदर्स, किसी का भी कोई महत्व नहीं होगा अगर इनमें से किसी को छीन लिया जाए तो। दे अप्लाई टू ऑल इक्वली, सभी को बराबर बराबर मिलता है, एंड ऑल हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन इन देयर लाइफ। दे आर अपहेल्ड बाय द रूल ऑफ लॉ, उन्हें कानून का शासन के तहत या कानून की एक तरह से प्रक्रिया के तहत उन्हें शासन स्थापित करने के लिए सबको प्रदान किया जाता है, उन्हें ताकत मिलती है कानून से, लिजिटिमेट क्लेम्स फॉर ड्यूटी बियरर्स टू बी अकाउंटेबल टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, उसको ध्यान में रखते हुए इसे आप किसी भी तरह से कम आंकने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। सम राइट्स आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल इन नेचर,
because they are equally important for all human beings living in society. समाज में रहने वाले सभी तबकों के लोगों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएंगे जिन्हें किसी भी प्रकार से विभेद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे द राइट टू लाइवलीहुड, या कह सकते हैं लाइवलीहुड, इट्स इज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर लीडिंग ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी बाय ऑल ह्यूमन बींग्स अक्रॉस द वर्ल्ड। सभी को सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने का एक मौका मिले। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स इज ए चेरिश्ड बाय द ऑल ह्यूमन बींग्स। आप अपने विचार व्यक्त कर सके, अपनी भावना प्रकट कर सके। हैविंग आवर बेसिक नीड्स मेट गिव्स फ्रीडम टू परस्यू आवर टैलेंट एंड इंटरेस्ट। हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारा क्या व्यक्तित्व है, क्या गुण है, इसे आप अपना स्पष्ट करने के आपके पास ये अधिकार है, राइट्स है। दिस राइट्स गिव्स ऑल ह्यूमन बींग्स द अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव एंड ओरिजिनल इन एनी फील्ड हिज और हर चॉइस। द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द डेमोक्रेटिक एंड लिबरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक और उदारवादी देशों में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, इज द बेसिक ऑफ द डेमोक्रेसी। राइट टू एजुकेशन, इट इज यूनिवर्सल इन नेचर बिकॉज इट हेल्प्स डेवलप द कैपेसिटी टू रीजन, सोचने का, तर्क करने का, यह आपको ज्ञान प्रदान करता है। किसके माध्यम से? शिक्षा के माध्यम से। गिव्स ऑल पीपुल यूजफुल, और सभी पीपुल जितने भी लोग हैं उन्हें एक तरह से स्किल योग्य बनाता है। एंड इनेबल्स देम टू मेक इन्फॉर्म चॉइस इन लाइफ। इट इज द सेंस दैट द एजुकेशन कैन बी डिजाइंड एज ए यूनिवर्सल राइट। तो ऐसा लगता है नहीं, बल्कि होना ही चाहिए। शिक्षा जो है यूनिवर्सलाइज होना चाहिए, ठीक है। फाइनली हम कह सकते हैं नेल्सन मंडेला को कोट करते हुए, उन्होंने कहा था टू डिनाई पीपुल देयर ह्यूमन राइट्स इज टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। किसी भी व्यक्ति का जो ह्यूमन राइट्स है अगर उसे छीन लिया जाए तो वास्तव में ये एक तरह से मानवता के खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स आर द हार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG का जो कंसेप्ट है उसको तब तक ताकत मजबूती प्रदान नहीं किया सकती है जब तक ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सलाइज ना हो, इसको व्यापक मान्यता प्रदान ना किया जाए। SDG का जो हट है, जो एक तरह से पूरी तरह से अगर इसका सार कहा जाए तो यूनिवर्सल राइट्स ह्यूमन राइट्स है। इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी वन कैन नॉट होप टू डिराइव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप किसी भी परिस्थिति में अगर ह्यूमन डिग्निटी और सम्मान और उसके जो प्रतिष्ठा है, जो उनकी जिंदगी का जो गौरवपूर्ण जीवन है, अगर आप उससे छीन ले, डिराइव कर दे उससे, तो आप SDG की कल्पना तो भूल ही जाइए। COVID-19 क्राइसिस हैज बीन फ्यूल्ड बाय डीपनिंग पॉवर्टी। इस COVID-19 के कारण गरीबी आकाश में आसमान छू रही है, असमानता पूरा विकसित हो रहा है। स्ट्रक्चरल एंड इंट्रेंच डिस्क्रिमिनेशन और संस्थागत और संरचनात्मक जो विभेद है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो बढ़ता जा रहा है। एंड अदर गैप्स इन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, और बहुत सी ऐसे मानवाधिकार है जिसका पूर्ति अब लगभग लगभग दूर होता जा रहा है इस कोविड के कारण। ओनली मेजर टू क्लोज दिस गैप्स, और केवल इसका एक उपाय है, एडवांस ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, इंश्योर किया जाए, पीपुल फुल्ली रिकवर एंड बिल्ड बैक ए वर्ल्ड दैट इज बेटर, मोर रेजिलियंट, जस्ट एंड सस्टेनेबल। ओवरऑल यू कैन सिंपली से ह्यूमन राइट्स आर सम राइट्स विच आर यूनिवर्सलाइज्ड। ये पूरी दुनिया में इसको मान्यता प्राप्त है। इससे इसके धर्म, इसके जाति, इसके रंग, इसके स्थान, इसके समय से इसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ ऐसे अधिकार है जो आपके जीवन शुरू होने से अंत तक आपको मिलना चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती स्वीकार नहीं हो सकती है। तो फाइनली इन दिस शॉर्ट वीडियो आई डिस्कस्ड व्हाट आर द यूनिवर्सल राइट्स। क्या है आखिर ये यूनिवर्सल राइट्स,
क्या ये सर्वांगीण होते हैं, समय और परिस्थिति में क्या इसे बदला जा सकता है, तो क्यों नहीं बदला जा सकता है, इस प्रकार की परिस्थिति आपको एक आंसर राइटिंग में करना पड़ सकता है। तो इसी तरह के एक और वीडियोस बाद में आएंगे, तो बने रहिए इस चैनल में, लगातार देखिए और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।